What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. आज एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहा हूँ, राइस और ग्रेवी वाली, क्रीमी मशरूम विद लेमन कोरिएंडर राइस. बहुत ही डिलिशियस बनती है ये. जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मेरी रेसिपी जो है स्पिनच राइस विद वेजीज इन तंदूरी सॉस या वेजीज इन पेरी पेरी सॉस, बहुत लोग फोटो शेयर करते हैं और आपको बहुत पसंद आती है. ये वैसी ही रेसिपी है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी. क्रीमी मशरूम बनते हैं वाइट सॉस के अंदर जो बहुत डिलिशियस लगते हैं, और एक लेमन कोरिएंडर राइस बनते हैं. वो राइस बाय इटसेल्फ भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो अगर मशरूम वाली ग्रेवी नहीं बनानी है तो सिर्फ राइस भी बनाकर खा सकते हो. और ये मशरूम की जगह पर अगर आप मशरूम नहीं खाते हो तो पनीर भी डाल सकते हो या कोई और भी चीज़ डाल सकते हो, वेजीज भी डाल सकते हो. उसका मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा. तो सबसे पहले लेमन कोरिएंडर राइस बनाएंगे, उसके बाद क्रीमी मशरूम बनाएंगे. और अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दूँ टू वॉच मोर सच रेसिपीज ऑन वाईएफएल. अब सबसे पहले लेमन कोरिएंडर राइस बनते कैसे वो देख लेते हैं. एक वॉक को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून तेल ऐड कीजिए और बटर को मेल्ट होने दीजिए. जब बटर मेल्ट हो जाए तब फ्लेम को लो करके इसमें 1 लार्ज चुटकी ऑरिगैनो, 1 लार्ज चुटकी चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 स्लाइस्ड अनियन इसमें ऐड कर दीजिए. अब फ्लेम को बढ़ाकर गार्लिक और प्याज को आपको अच्छे से कुक करना है, जब तक कि प्याज जो है थोड़े से नरम नहीं हो जाते हैं. तो अच्छे से इसको कुक कर लीजिए. आप देख सकते हो प्याज को मैंने कैसे कुक कर लिया है. अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर यानी कि ताज़ा कटा हुआ धनिया डालना है खूब सारा, और थोड़ा सा इसको स्टर कर लेना है. स्टर करने के बाद आपको फ्लेम को लो कर लेना है. अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 कप कुक्ड राइस ले लिए. 1 कप चावल को पका लेना है और 4 कप आपको कुक्ड राइस मिल जाएंगे. राइस को ऐड कर देना है, साथ ही में 1 नींबू का आपको जेस्ट यानी कि जो छिलका होता है ना उसको ग्रेट करके ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है. 1 नींबू का आपने एक बार जेस्ट ऐड कर दिया तो इसी नींबू को आपको काट कर पूरा नींबू का रस जो है वो भी इसमें ऐड कर देना है. साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है. अब अच्छे से आपको मिक्स करके, अच्छे से आपको स्टर करके राइस को सारे मसालों के साथ, धनिया के साथ, गार्लिक और प्याज के साथ कोट कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है. एक बार आपने राइस को पका लिया है तो आप देख सकते हो हमारे लेमन कोरिएंडर राइस रेडी हो गए. तो ये जो लेमन कोरिएंडर राइस है ना बहुत ही डिलिशियस लगते हैं, और सिर्फ ये राइस बनाकर भी आप खा सकते हो. अगर ग्रेवी नहीं भी बना रहे हो तो ऐसे ही खाने में मज़ा आता है. इसमें कुछ वेजीज डालनी है, कॉर्न डालना है तो आप डाल सकते हो, वो भी बढ़िया लगता है. ऐसे फ्राइड राइस टाइप बन जाएंगे और बहुत डिलिशियस लगते हैं. अब राइस तो हमारे बन गए हैं एकदम आसान तरीके से. अब नेक्स्ट वो क्रीमी मशरूम बनाना है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेना है. पैन को गरम करना इंपॉर्टेंट है. एक बार पैन गरम हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो. तेल एक बार गरम हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 2 चॉप की हरी मिर्ची ऐड करनी है और स्टर करके हल्का सा कुक कर लेना है. आपको बहुत ज़्यादा गार्लिक को कुक नहीं करना है क्योंकि गार्लिक मशरूम के साथ और आगे पक जाएगा. अब इसमें 250 ग्राम मशरूम्स ऐड कर दीजिए और 1 चुटकी नमक ऐड कर दीजिए. मशरूम्स को क्वार्टर्स में या हाफ्स में कट करके आप ऐड कर सकते हैं. अब हाई फ्लेम पर आपको अच्छे से कुक करना है बीच बीच में स्टर करते हुए, और आप देखेंगे कि मशरूम्स पे थोड़ा सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा. पहले तो होगा ये कि मशरूम्स नमक की वजह से पानी छोड़ेगा, मशरूम में पानी काफ़ी होता है, और धीरे धीरे वो पानी सूख जाएगा और मशरूम्स का रंग थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा. तब तक आपको मशरूम को कुक करना है. तो आप देख सकते हो पानी इधर छोड़ दिया है मशरूम ने, इसको फर्दर कुक कीजिए और पानी एक बार सूख जाए और ऐसे मशरूम ब्राउन रंग के हो जाएं तब तक आपको मशरूम को कुक कर लेना है. तो मशरूम्स को यहाँ पर मैंने कुक कर लिया है. मशरूम्स को अभी निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब सेम पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए. मक्खन एक बार मेल्ट हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून आपको मैदा ऐड करना है. तो मक्खन और मैदे की क्वांटिटी सेम रहेगी. अब लो फ्लेम पर अच्छे से आपको मिक्स करते हुए मैदे को पकाना है. मैदे को पकाना बहुत ज़रूरी है जब तक कि इसका टेक्सचर सैंडी नहीं हो जाता है, थोड़ा सा दरदरा नहीं हो जाता. तो ये आप देख सकते हो अच्छे से मैंने मैदे को पकाया और मैदे का टेक्सचर आप देख सकते हो कैसे हो गया है. इस स्टेज पर आपको इसके अंदर दूध ऐड करना है. तो 500 ml आधा लीटर मैंने दूध लिया है. दूध को मैं 3 से 4 स्टेजेस में ऐड करूंगा. पहले आपने थोड़ा दूध ऐड किया, फटाफट इसको आपको फेंटना है. आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बार ये मिक्स हो जाए दूसरा बैच डालिए दूध का, और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है. ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि मैदे की गुठलियाँ नहीं बने. तो बस सारा दूध आप ऐसे बैचेस में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि एक क्रीमी स्मूथ सॉस आपको नहीं मिल जाती है. तो आप देख सकते हो सारा दूध मैंने ऐड कर दिया था. अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ सॉस मैंने यहाँ पर बना ली है. एक बार आपकी सॉस रेडी हो जाए तब इसमें जो मशरूम्स हमने पकाए थे वो ऐड कर दीजिए. 1 चुटकी ऑरिगैनो, 1 चुटकी रेड चिली फ्लेक्स और 1 चुटकी फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दीजिए.
अच्छे से आपको मिक्स करना है, अच्छे से स्टर कर लेना है और एक से दो मिनट के लिए यहाँ पर आपको अच्छे से पका लेना है मशरूम्स को, जो स्पाइसेस हमने ऐड किए और सॉस को साथ में पका लीजिए। एक बार आपने दो मिनट के लिए इसे पका लिया है, इस स्टेज पर आपको सॉस को टेस्ट कर लेना है, अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक ऐड कर देना है और अच्छे से मिला लेना है। और ये आप देख सकते हो हमारा क्रीमी मशरूम रेडी हो गया है। इसे प्लेट कर लेते हैं अभी वाईफाई स्टाइल। क्रीमी मशरूम विद लेमन कोरिएंडर राइस का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत डिलिशियस लगता है, ज़रूर ट्राई करना। अगर मशरूम्स नहीं खाते हो तो टोफू या पनीर इसमें ऐड कर सकते हो, या मिक्स्ड वेजीज भी ऐड कर सकते हो, जैसे कैरेट ले ली, बीन्स ले ली, कॉर्न ले लिया और साथ में थोड़ा पनीर भी ऐड कर दिया। चीज़ अगर खाते हैं तो चीज़ भी थोड़ा सा इसमें ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। तो मशरूम्स नहीं खाते हो तो ये ऑप्शन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, थोड़ा सा चिकन सौते करके चिकन इसमें ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।